तो हम लोग बात करते हैं 45 देवताज की। 45 देवता एक बिल्डिंग के अंदर विराजमान रहते हैं। 45 देवताज के अलग अलग इंपैक्ट ऑफिसेज में, शोरूम्स में, इंडस्ट्रीज में, घरों में देखे गए हैं अकॉर्डिंग टू द पर्पस ऑफ अ बिल्डिंग। जब हम एक जगह के पर्पस की बात करते हैं तो उस पर्पस के अकॉर्डिंगली हम एक देवता के इंपैक्ट को स्टडी करते हैं। पर एंड ऑफ द डे जब हम किसी भी एक चार दीवारी की बात करते हैं, किसी भी जगह की बात करते हैं, किसी भी एक प्रिमाइसिस की बात करते हैं, तो उसके अंदर विराजमान होते हैं ये 45 देवताज। आप लोग ये 45 देवताज देख रहे हो। जब एक बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है तो सबसे पहले इनर मोस्ट देवता फील्ड जो ब्रह्मा है उनकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद चतुर्मुख, इनके जो चार मुख हैं, भूधर, आर्यमा, विवस्वान और मित्रा, इनकी उत्पत्ति होती है जब वॉल्स, साइड वॉल्स 4 से 5 फीट तक बढ़नी शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जब वॉल्स 7 to 8 फीट तक जाती हैं, तब इसके जो मिडिल पेरिफरी के 8 देवता फील्ड हैं, जिनका नाम है आपा, आपावस्था, सविता, सवित्र, इंद्र, जया, रुद्र और राजयक्ष्मा, इनकी डेवलपमेंट होती है। और जब फाइनली उस जगह पर लेंटर डल जाता है तो उस जगह पर आउटर पेरिफरी के 32 देवता फील्ड भी विराजमान हो जाते हैं और 45 की 45 देव शक्तियां उस प्रेमाइसिस के अंदर विराजमान हो जाती हैं। आज के युग में चीजें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं। वॉल्स की कंस्ट्रक्शन बाद में होती है, लेंटर पहले डल जाते हैं। तो जब पिलर की फॉर्मेशन हो रही होती है और लेंटर डलता है तो उस पिलर की फॉर्मेशन में ये इनर पेरिफरी के देवता फील्ड्स वहां विराजमान होते हैं और लेंटर डलने के बाद ये सारे के सारे 45 देवता फील्ड उस जगह पर आ जाते हैं। जब भी आप एक जगह को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो इन देवता फील्ड्स के कलर कुछ अलग होते हैं। उस समय जो भूधर है वो लाल सुनहरी रंग का होता है, वो अगर आप हल्का सा देखेंगे तो कॉपरिश शेड का आपको मिलेगा। और जब आप उस जगह पर वास करने के लिए जाते हो या काम करने के लिए जाते हो, जब आपकी एनर्जी उस जगह से कनेक्ट हो जाती है उसकी कंप्लीशन के बाद, तो ये देवता फील्ड्स के कलर्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। जो अर्थ एनर्जी फील्ड्स हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जी फील्ड्स के तरीके से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे 45 के 45 देवता की वर्किंग चलती है और एक एक देवता फील्ड का क्या क्या इम्पैक्ट रहता है हम लोगों की लाइफ में, या पर्टिकुलरली किसी भी ऑफिस, शोरूम, फैक्ट्री या घर में। मेजरली जब हम किसी भी प्रेमाइसिस की बात कर रहे हैं तो वो प्रेमाइसिस के ऊपर चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं हमारे ऊपर, हमें ये जानना होता है। एक्चुअल में तो हमारे ऊपर ही चीजें इंपैक्ट होती हैं। अगर वो प्रेमाइसिस अच्छे तरीके से वर्क करेगा, उसका पर्पस फुलफिल होगा, तो हमारी लाइफ में उसी का इंपैक्ट अच्छा आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्मा एनर्जी फील्ड की। ब्रह्मा है किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक। जब भी किसी चीज की डेवलपमेंट होती है, फॉर्मेशन होती है, तो उस जगह पर ब्रह्मा एनर्जी फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब आप देखते हैं कि एक फूल उत्पन्न हो रहा है तो उसके अंदर का जो कलर है वो येलो कलर होता है। वो अंदर का कलर क्या है? वो ब्रह्मा है। ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ क्रिएशन। किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक हैं ब्रह्मा। इस सृष्टि का जितना भी निर्माण हुआ, इस सृष्टि के सृजनकर्ता है ब्रह्मा। ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को हम कभी क्रिएट नहीं कर सकते, ब्रह्मा एनर्जी फील्ड को हम कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ब्रह्मा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जिसके ऊपर वास्तु शास्त्र के माध्यम से कभी भी कोई रेमेडी नहीं करनी चाहिए। ये वो एनर्जी फील्ड है जो बहुत ही प्योर एंड अनमैनिफेस्टेड एनर्जी है। जब भी एक व्यक्ति ये कहता है कि उसके जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा, उसके जीवन में ग्रोथ प्रोसेस नहीं चल रहा, वो किसी काम की शुरुआत ही नहीं कर पा रहा, तो सबसे पहले आप जिस एनर्जी फील्ड को देखते हैं वो होता है ब्रह्मा। किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक, आपने किसी भी कार्य को करना है तो आपके अंदर जो वो अनमैनिफेस्टेड एनर्जी सबसे पहले जन्म लेती है वो है ब्रह्मा। जब भी आपको किसी चीज की शुरुआत करनी है, किसी चीज को क्रिएट करना है, तो उस क्रिएशन में आपके प्रेमाइसिस में जो एनर्जी फील्ड हेल्प करते हैं वो है ब्रह्मा। ब्रह्मा के बाद उत्पन्न होते हैं ब्रह्मा के चतुर्मुख, जिन्हें हम कहते हैं भूधर जो नॉर्थ में उत्पन्न होते हैं, आर्यमा जो ईस्ट में उत्पन्न होते हैं, विवस्वान जो साउथ में, एंड मित्रा जो वेस्ट में उत्पन्न होते हैं। इनको हम अपने जीवन के चार पर्पसेस के साथ भी देखते हैं। हमारे जीवन के जो चार पुरुषार्थ हैं
उनके साथ भी इनको जोड़ा गया है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जब हम अपने जीवन के इन चार पुरुषार्थों को समझ लेते हैं या हमारे जीवन के इन चार मेजर गोल्स को समझ लेते हैं तो हमारे लाइफ में मैनिफेस्टेशन थोड़ी इजी हो जाती है। जैसे कि मैंने कहा, ब्रह्मा है किसी भी चीज की उत्पत्ति के कारक, उसके बाद भूधर है हमारा पहला कर्म। जब भी हमें अपनी लाइफ में कोई भी चीज को मैनिफेस्ट करना होता है तो अपना पहला कर्म करना बहुत जरूरी है। आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक उत्पत्ति आई, वो है ब्रह्मा, लेकिन उसके लिए क्या आपने पहला कर्म किया? वो पहला कर्म क्या है उसके बारे में रिसर्च करना, उसके बारे में जांच पड़ताल करना, उसके बारे में देखना, उस जगह पर एनरोल करना। आपका पहला कर्म क्या है? जब आप अपने दफ्तर के लिए अपने घर से निकल गए, वो आपका कर्म है। जो व्यक्ति कहते हैं हमारी जिंदगी में कुछ हो ही नहीं रहा, जब आप अपने घर से अपने दफ्तर ही नहीं जाओगे तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन कैसे होगी? जब आपको किसी चीज को करना है, आप उसकी शुरुआत ही नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ मैनिफेस्ट कैसे होगी? किसी भी जगह पर लाइफ मैनिफेस्टेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज होती है उसे हमेशा हम कहते हैं अपना पहला कदम। हमेशा बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि आप पहला कदम आगे बढ़ाओगे तो ही आगे की जर्नी का आपको पता लगेगा। तो ये भूधर है हमारा पहला कदम या हमारा पहला कर्म। अगर हम अपना पहला कर्म करने में चूक जाते हैं तो हमारी लाइफ की मैनिफेस्टेशन हमें नहीं मिलती। उसके बाद आता है सेकेंड थर्ड एनर्जी फील्ड आर्यमा। आर्यमा है हमारा लोगों के साथ जुड़ाव, हमारा लोगों के साथ कनेक्शन। लोगों के साथ हमारा कैसा जुड़ाव है, कैसे लोगों के साथ हमारे कनेक्शन हैं? आपने जिस भी चीज को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है उसके लिए आपने पहला कदम तो उठा लिया, लेकिन क्या उसके लिए आपको लोगों की जरूरत पड़ती है? यस, आपको अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है तो सामने दूसरे व्यक्ति की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। जब भी आपको किसी को सेल्स प्रोवाइड करनी है तो भी जो सेल्स का प्रोसेस है वो दो लोगों के बीच में होगा। आपको किसी को सर्विस प्रोवाइड करनी है तो वो जो सर्विस का प्रोसेस है वो भी दो लोगों के बीच में होगा। वो कनेक्शन जो बिल्ड होता है आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके डीलर्स के साथ, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ, आपके वर्कर्स के साथ, उन सभी लोगों के साथ जिनके साथ आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज को मैनिफेस्ट कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं, वो है आर्यमा। आर्यमा वो एनर्जी फील्ड है जो शादी के समय दूल्हा और दुल्हन के परिवारों को मिलाता है, जो उनका आपसी में कनेक्शन बनाता है। क्योंकि जब भी आप किसी के घर में शादी की बात करते हैं तो उस समय पर एक कुटुंब दूसरे कुटुंब से मिलता है, वो भी एक कनेक्शन ही है। आपके बिजनेस प्लेस में आपको एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति की जरूरत है, वो भी एक कनेक्शन है, भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो। भले ही जब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उस समय आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है तो यू नीड अ गुड प्रॉपर्टी डीलर। आपको उसमें इंडस्ट्री सेट करनी है, मशीनरी लगानी है तो आपको उसके लिए अच्छे वेंडर्स चाहिए। उसके बाद आपको रॉ मटेरियल के लिए अच्छे वेंडर्स चाहिए। आपको उसकी सारी प्रोसेसेस, सारी एनओसीज के लिए लोग चाहिए। उसके बाद आपको लेबर चाहिए। हर जगह पर आपको जिन लोगों से जुड़वाता है ऑल इन ऑल वो है आर्यमा। ये वही लोग हैं जो चीज आपने ब्रह्मा से सोची और भूधर से उसके ऊपर पहला कर्म किया उसको मैनिफेस्ट करने में जो हेल्प करते हैं। उसके बाद आ जाता है विवस्वान। जब आप एक अपने कर्म को पूरा करते हैं तो आप रिलैक्स्ड फील करते हैं और अपलिफ्ट फील करते हैं। विवस्वान आपको एक माइंड रिलैक्सेशन देता है कि आपने अपना कर्म या आपने अपना जो मैनिफेस्टेड वर्क था उसको सही तरीके से मैनिफेस्ट किया या नहीं किया, क्या आप उसके लिए रिलैक्स्ड हो या नहीं हो। जब भी आप अपने काम को कंप्लीट करते हो तो आप उसमें रिलैक्स्ड फील करते हो और रिलैक्सेशन के बाद आपके अंदर एक अपलिफ्टमेंट भी फील होती है। आपको मजा आता है कि हाँ मैंने इस काम को कंप्लीट किया और आपको चैन की नींद आती है। आपको आपकी लाइफ में जो देवता फील्ड अपलिफ्ट करता है वो है विवस्वान। यही वो एनर्जी फील्ड है जो आपको नाम यश देता है। यही वो एनर्जी फील्ड है जो आपको ब्रांड भी बनाता है। विवस्वान अगर आपका किसी का खराब हो, किसी भी प्रेमाइसिस का खराब हो, तो जो यहां से वर्क कंप्लीट कर रहे थे आप, वो वर्क की कंप्लीट सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाता है मित्रा। मित्रा वेस्ट का एनर्जी फील्ड है जो आपको देता है प्राप्तियां। इसे जनरली मोक्ष के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन मोक्ष की परिभाषा हम लोग आजकल कुछ गलत तरीके से या अलग तरीके से पढ़ रहे हैं।
आपने एक काम की शुरुआत की, आपने एक सोचा कि आपको एक बिजनेस करना है, आपने उस बिजनेस के बारे में थोड़ा रिसर्च किया, पहला कदम उठाया, आपने उस बिजनेस को लोगों के साथ मिलकर बना लिया, उसके बाद आपको एक सेटिस्फेक्शन हुई कि हाँ अब मेरा ये बिजनेस बन गया है, मैंने इस काम को कंप्लीट कर लिया, आई हैव अ गुड नेम कि मेरा ये बिजनेस बन गया एंड आई एम मेंटली वेरी मच रिलैक्स्ड। लेकिन ये मित्र एनर्जी फील्ड आपको ये बताता है कि आपने ये किया क्यों था। आपने वो बिजनेस प्रॉफिट्स कमाने के लिए किया था, पैसा कमाने के लिए किया था, क्या आपको वो प्रॉफिट्स जनरेट हुए? आप आज वास्तु का कोर्स सीख रहे हैं, आपके दिमाग में एक उत्पत्ति आई कि आपको वास्तु का कोर्स सीखना है, ब्रह्मा, उसके बाद भूधर, आपने पहला कर्म किया, आपने सर्च किया डिफरेंट वास्तु कोर्सेज, विच इज द बेस्ट वास्तु कोर्स एंड सो एंड सो ऑन। उसके बाद आपकी कनेक्टिविटी हुई किसी भी मेंटोर से कि आपने वहां से वास्तु को सीखा, आपको सेटिस्फेक्शन भी मिली कि मैंने अब वास्तु सीख लिया है, उसके बाद आप अपलिफ्ट भी हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस ले आऊंगा, यू आर वेरी मच रिलैक्स्ड। लेकिन आपने वास्तु सीखा क्यों था? क्या आपको अपने घर को सही करना था, अपनी फैक्ट्री को सही करना था, या आपको उसे प्रोफेशनली आगे लेकर जाना था? मित्र, अगर आपने वास्तु अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए सीखा, तो क्या आपकी लाइफ में उससे कुछ बदलाव आया? अगर आपकी लाइफ में उससे कुछ बदलाव नहीं आया, तो इसका मतलब मित्रा में कहीं ना कहीं दिक्कत है। अगर आपकी लाइफ में बदलाव नहीं आया, तो ये भी बता देगा कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपका जुड़ाव गलत जगह हो गया हो। इसकी वजह से आपका विवेकवान भी ऑटोमेटिकली खराब हो जाएगा। ऑल इन ऑल, ये एक वो देवता फील्ड है जो सारे देवता फील्ड को बांध कर रखता है और आपके पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट आपको बताता है कि आपने वो कर्म को शुरू क्यों किया था। यह है इनर पेरिफरी के देवता फील्ड जो है ब्रह्मा, भूधर, आर्यमा, विवेस्वान और मित्र। इसके बाद चार कार्डिनल डायरेक्शन जो कॉर्नर्स है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट, इन चार कार्डिनल डायरेक्शन पर मिडिल पेरिफरी में दो दो देवता फील्ड उत्पन्न होते हैं। नॉर्थ ईस्ट में उत्पन्न होते हैं आपा और आपा वस्ता। आपा क्या है? आपा वो एनर्जी फील्ड है जो आपके काम को डिवाइड करने में आपको मदद करता है। आप अपने डेली रूटीन के काम को कैसे डिवाइड करते हैं, ये वो भी एनर्जी फील्ड है जो आपके इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग रखने में आपकी हेल्प करता है। अब एक तरफ इम्यूनिटी सिस्टम और एक तरफ काम, ये दोनों चीजों को हम कैसे देखें? अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ की बात करें, हम अपनी हेल्थ की बात करें, तो अगर हम अपने रूटीन को अच्छा करके रखें, तो हम क्या कहते हैं, उससे हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है। सिमिलरली, अगर आप अपने ऑफिस स्पेस में, अपनी फैक्ट्री में, अपने बिजनेस में अपने कामों को सही तरीके से डिवाइड करके रखते हो, बाइफरकेट करके रखते हो, तो आपके ऑफिस का इम्यून सिस्टम अच्छा हो जाता है। आफा आपको ये बताता है कि आपको किस तरीके से सही दिमाग लगाकर अपने काम को डिवाइड करना है, और साथ ही उसका जो अटेंडेंट है आपावस्था, वो करता है आपको संसाधनों की व्यवस्था। आपको, आपने जो भी काम डिवाइड किए, उसके लिए आपको कुछ संसाधन तो चाहिए। जैसे कि आपने अपने दिन में ये सोचा कि सुबह आप उठकर जिम जाएंगे, तो जिम जाने के लिए आपको गाड़ी की भी जरूरत है, उसके बाद आपको एक जिम की भी जरूरत है, वो संसाधन है, वो कनेक्टिविटी है, वो संसाधनों की व्यवस्था कराता है आपावस्था। उसके बाद आपको ऑफिस आना है, ऑफिस आने के लिए भी आपको एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, आपको ऑफिस में अलग-अलग कार्य करने हैं, उसके लिए आपको लैपटॉप चाहिए, स्टेशनरी चाहिए, एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराता है आपावस्था। ये आपा का अटेंडेंट है, जो काम आपा ने डिवाइड कर दिए उसको आपावस्था कलेक्टिवली बताता है कि कैसे होगा। आफा अगर आपको जागृत कराता है आपकी बीमारी से, तो आपावस्था उसके लिए दवाई अरेंज करता है कि आपको कौन सी दवाई आपके शरीर में सही लगेगी और किस दवाई से आप ठीक हो। ये दोनों देवता फील्ड आपके हेल्थ को अच्छा रखते हैं आपके पर्सनल लाइफ में, और अगर आप अपनी बिजनेस लाइफ देखें या अपनी आप ऑफिशियल लाइफ देखें,
तो उसमें आपके कामों को बहुत सशक्त रूप में इम्यून करके रखने की कोशिश करते हैं आपा और आपावस्था। उसके बाद हम साउथ ईस्ट में आते हैं सविता और सवित्र एनर्जी फील्ड पर। सविता है आपका स्पार्क, बुधर था आपका पहला कर्म। आपने पहला कर्म किया, सारी चीजों को सेट किया, लेकिन उसके बाद आपका मन ही नहीं कर रहा कि आप ये काम को करो। आपने सोचा कि आपको वास्तु का कोर्स करना, आपने उसके लिए रिसर्च कर लिया, आपने उसके लिए रिसर्च कर लिया, वो है आपका भूधर, लेकिन उसके बाद आप एनरोल ही नहीं कर रहे हो, तो क्या वो चीज मैनिफेस्ट होगी? ये सविता वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन को हैपन कराती है, उसके लिए आपको उस कर्म में पुश करती है। उसके बाद सवित्रा आपको उसी कर्म में फाइनेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको वास्तु सीखना है, आपने रिसर्च कर लिया, सविता में आपने मन बना लिया कि अब आप एनरोल करेंगे, तो सवित्रा इज योर फाइनेंसर, ये आपको उसके लिए धन उर्जित कराता है। अगर आप लोगों ने कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना है, दिस इज स्पेशली फॉर दोज बिजनेस पर्सन या दोज पीपल हु एक्चुअली वॉन्ट टू गो फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स और एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेसेस। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है या अगर आपको कोई भी नया प्रोजेक्ट लगाना है, उसके लिए अगर आपके पास धन प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मनी नहीं है, तो सवित्रा एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो आपको ऐसे व्यक्तियों के साथ कनेक्ट कराते हैं जो कहते हैं कि हम आपके प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। अगर आपका बैंक से लोन भी पास नहीं हो रहा, आपने पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक के अंदर सबमिट कराई हुई है, तो हम वास्तुशास्त्र में जनरली बैंकिंग के लिए नॉर्थ वेस्ट एनर्जी फील्ड देखते हैं। इसके साथ साथ आप सवित्रा भी देखेंगे। सवित्रा एनर्जी फील्ड को जब आप चेक करते हैं और सवित्रा एनर्जी फील्ड को जब एनर्जाइज करते हैं, तो आप देखते हो कि जो आपका वायबल प्रोजेक्ट है उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली एक फाइनेंसर मिल गया। उसके बाद साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हुए हम देखते हैं इंद्र और जया। इंद्र है आपका बिजनेस प्रोटेक्टर, या आपके घर में अगर कहें तो आपके घर में आपके फैमिली को और आपके मनी को प्रोटेक्ट करता है इंद्र। बिजनेस की हम बात करते हैं तो बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है इंद्र, और बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण फील्ड है इंद्र। एक व्यक्ति का जब एक शोरूम है, वो दूसरा शोरूम खोलते हुए क्यों कतराता है? क्यों वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर पाता, दूसरा स्टोर, तीसरा स्टोर, फोर्थ स्टोर, फिफ्थ स्टोर? क्योंकि तब तक वो अपने माइंड में एक सिक्योरिटी ही महसूस नहीं करता कि मेरा ये शोरूम ऑटो मोड पर आ गया है, मेरा जो बिजनेस है इसका खर्चा अपने आप निकलता है, इसका प्रॉफिट अपने आप आता है, नाउ इट्स द टाइम टू ग्रो माय बिजनेस। अक्सर मैंने बिजनेसमैन की लाइफ में ये स्ट्रगल देखी है कि वो अपने एक ही स्टोर को मेंटेन करने में अपनी सारी जिंदगी निकाल देते हैं, वो अपने बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोचते भी नहीं है या अपने बिजनेस एक्सपेंशन कर भी नहीं पाते। उसके लिए जो एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है साउथ वेस्ट की तरफ इंद्र। इंद्र आपके बिजनेस को सिक्योर करता है, इंद्र आपके बिजनेस को प्रोटेक्ट करता है, और यही वो एनर्जी फील्ड है जो वॉम्ब में, एक मदर के वॉम्ब में बच्चे को भी प्रोटेक्ट करता है और सेफ डिलीवरी इंश्योर करता है। जिनके भी यहाँ पर ज्यादा मिस कैरेजेस होते हैं, अबॉर्शन होते हो, या चाइल्ड बर्थ में ऐसी कोई प्रॉब्लम होती हो जहां पर बच्चे के जन्म के वक्त बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए, तो वहां पर इंद्र देवता फील्ड में उनके घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। किसी भी हम गायनेकोलॉजिस्ट की अगर बात करें, तो उनके हॉस्पिटल्स में अगर ये इंद्र एनर्जी फील्ड सशक्त होते हैं, तो वहां पर मैक्सिमम ऑफ सेफर डिलीवरीज सुनिश्चित होती हैं। इंद्र देवता फील्ड आपके बिजनेस को ग्रो करने में आपकी मदद करते हैं और साथ ही साथ आपके धन को भी प्रोटेक्ट करते हैं, आपके धन को, आपकी मनी को भी सेफगार्ड करते हैं। इसके साथ इंद्र के जो वज्र शस्त्र हैं वो है जया। जया इंद्र इंद्र का वो वज्र शस्त्र है जो उसे जीत दिलाने में मदद करता है। कोई व्यक्ति अपने जीवन में कैसे जीतता है? जब वो अपने शस्त्र में प्रखाड़, एक व्यक्ति तलवारबाजी करता है, अगर वो तलवारबाजी में प्रखाड़ है तो ही उसकी जीत सुनिश्चित है। सिमिलरली एक बिजनेसमैन, टॉप शॉट बिजनेसमैन कैसे बनता है? जब वो अपने बिजनेस में प्रखाड़ रूप से
उस बिजनेस को प्रेजेंट कर पाता है, अपने प्रोडक्ट को प्रेजेंट कर पाता है। एक फैक्ट्री का एक प्रोडक्ट नंबर वन क्यों बनता है, जब वो प्रोडक्ट स्किलफुली सेम एक्यूरेट प्रिसाइज्ड मैनर में हर बार बनता है और हर बार क्लाइंट तक डिलीवर होता है। जया वो एनर्जी फील्ड है जो आपके प्रोडक्ट को सशक्त रूप से बनाने में आपकी मदद करता है, जो एक व्यक्ति को सही समय पर अपना स्किल दर्शाने में उस व्यक्ति की मदद करता है। अगर किसी व्यक्ति के यहाँ जया एनर्जी फील्ड में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पर हम ये देखते हैं कि व्यक्ति को जितनी भी नॉलेज हो, सही समय पर सही नॉलेज के साथ सही स्किल वो दिखा नहीं पाता। अगर आप सही समय पर सही नॉलेज और सही स्किल नहीं दिखा पाते, तो आप अपनी लाइफ में एक फेलियर कहलाते हैं। और यही है जया, जो इंद्र का वो वज्र शस्त्र है जो उसकी जीत में उसका साथ देता है। नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है वो है नॉर्थ वेस्ट की तरफ रुद्र। रुद्र एनर्जी फील्ड आपके अंतर्मन को कंट्रोल करता है। रुद्र वो एनर्जी फील्ड है जिसे ये वरदान है, जो नदियों में सही पानी के बहाव को सक्षम रखने में उस नदी की मदद करता है। आपकी जिंदगी में सारी चीजें सही बहाव के साथ चलें, सारी चीजें सही फ्लो के साथ चलें, उसके लिए जो एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है रुद्र। रुद्र एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो वास्तव में आपके मन को संयमता में रखता है, आपके मन को कंट्रोल में रखता है। जो व्यक्ति अपना आपा खो बैठता है, जो व्यक्ति अपने मन का कंट्रोल खो बैठता है, वो अपने बिजनेस से भी कंट्रोल खो बैठता है। जो भी व्यक्ति किसी भी बिजनेसमैन से जब हम बात करें, वो व्यक्ति अगर ये कहे कि मेरा अपने बिजनेस के ऊपर अब कंट्रोल नहीं है, या मुझसे बिजनेस कंट्रोल नहीं हो पा रहा, तो हम डेफिनेटली देखते हैं कि उस जगह का रुद्र एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब्ड है। और साथ में उसका जो अटेंडेंट है राजयक्ष्मा, वो है उसके सारे सपोर्टर्स या उसका ऑफिस का स्टाफ, जो लोग भी उसके साथ काम कर रहे हैं। अगर वो कंट्रोल में नहीं है, अगर वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस जगह पर राजयक्ष्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। राजयक्ष्मा एनर्जी फील्ड डिफाइन्स योर ऑफिस स्टाफ या वो लोग जिनके साथ आप वर्किंग करते हैं, जो सही समय पर आपको सही तरीके की सपोर्ट देकर आपके जीवन में आपको प्रोग्रेस के राह पर लेकर जाते हैं। रुद्र आपका खुद का कंट्रोल और राजयक्ष्मा आपके ऑफिस के लोगों का कंट्रोल, ये दोनों चीजें मिलकर आपके ऑफिस में आपकी मनस्थिति को कंट्रोल में रखती हैं और आपको अपने जीवन में आगे लेकर जाती हैं। ये है हमारे मिडिल पेरिफरी के 8 देवता फील्ड। उसके बाद एक्सटर्नल पेरिफरी में या आउटर पेरिफरी में आते हैं 32 देवता फील्ड। 32 देवता फील्ड में हम नॉर्थ ईस्ट से अगर शुरुआत करें, तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले देवता फील्ड है दिति। दिति का मतलब है विजनरी। क्या सच में आपको ये पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है? आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है? हर व्यक्ति कहता है मुझे पैसा चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। पैसा क्यों चाहिए? वो पैसा आएगा कैसे? जब आप ये चीज अपने मन में क्लियर कर लेते हैं कि आपको पैसा क्यों चाहिए और वो पैसा किस स्टेट से आ सकता है, क्या जो मैं चीज बोल रहा हूं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है या नहीं, तो आप अपने दिमाग को सक्षम करके उसके ऊपर वर्किंग करना शुरू कर देते हो। एक व्यक्ति कहता है, एक बिजनेसमैन कहता है कि मुझे बस अपने बिजनेस में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्स चाहिए। अगर वो अपना टारगेट बनाकर रखे कि उसकी लास्ट ईयर की सेल 1 करोड़ थी और इस साल उसे 2 करोड़ की सेल करनी है, तो इसका मतलब उसका विजन क्लियर है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बिजनेसमैन का विजन ही क्लियर नहीं हो पाता, बस उन्हें तो ये होता है ज्यादा से ज्यादा सेल चाहिए। कंपनीज एंड ब्रांड्स वर्क विद नंबर्स विद अ विजन। किसी भी अच्छी कंपनी को आप देखोगे तो उसकी टैगलाइन में उसका विजन एंड मिशन जरूर लिखा हुआ होता है, और वो विजन ही है जो द्विती एनर्जी फील्ड को दर्शाता है। क्या सच में आपका माइंड क्लियर है कि आप इस वीडियो को क्यों सुन रहे हो? क्या सच में आपका माइंड क्लियर है कि आप 45 देवताओं को क्यों पढ़ रहे हो? क्या चीज है जो आपको इस चीज को पढ़ने के लिए मजबूर कर रही है? आपका माइंड क्लियर है कि आपको वास्तु शास्त्र में 45 देवताओं की इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो आप 45 देवताओं को सुन रहे हो। वो क्लैरिटी,
यूं ही नहीं किसी भी कार्य को करते रहना, जब हम यूं ही अपने दिमाग को डाइवर्सिफाइड रखते हैं तो हमारा विजन डाइल्यूट हो जाता है, एंड जब हमारा विजन क्लियर होता है तो नॉर्थ ईस्ट में जो सेकंड एनर्जी फील्ड है शिखी, वो देता है आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया कि आपको इस काम को कंप्लीट करना कैसे है। किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए कोई ना कोई प्लानिंग तो चाहिए होती है, कोई ना कोई आइडिया तो चाहिए होता है, और जब आप किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया के ऊपर वर्क करते हो तो वही आइडिया आपको आपकी लाइफ में अपलिफ्ट करता है। जैसे कि मैं कई बार आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूं जोमेटो की, तो जिस व्यक्ति ने जोमेटो इजाद किया उस व्यक्ति का विजन क्या था? उस व्यक्ति ने एक विजन को बनाया कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट करना है जहां पर लोगों के पास घर घर खाना पहुंच सके, और उसके विजन में एक और क्लैरिटी हुई। एक और क्लैरिटी क्या हुई कि इससे तीन लोगों का फायदा होगा। सबसे पहला वो व्यक्ति जो रेस्टोरेंट ओनर है जो लोगों के घर खाना डिलीवर करने नहीं जा सकता, दूसरा वो व्यक्ति जिसको घर बैठकर ही खाना खाना है और वो खाना लेने नहीं जा सकता, और तीसरा वो व्यक्ति जो इन दोनों को कनेक्ट करा रहे, यानी कि योर डिलीवरी पार्टनर। तीन लोगों का बेनिफिट हो रहा है एक ही प्रोसेस में। जो व्यक्ति घर बैठकर खाना मंगा रहा है उसको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो व्यक्ति को वहीं से ऑर्डर आ रहे हैं जिसका रेस्टोरेंट यूज नहीं हो रहा, सिर्फ किचन यूज हो रही है, उसको कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट देने में भी दिक्कत नहीं है। और इन सबके बीच कुछ एक अमाउंट जो डिलीवरी पार्टनर को मिलती है वो भी इन दोनों को पे करने में कोई दिक्कत नहीं है। वो विजन बना, उस विजन को प्रखाड़ किया शिकी ने कि ऐसी एक एप्लीकेशन बनाई जाए जिससे लोगों को कनेक्ट किया जाए, और जो भी आगे के प्रोसेसेस हैं वो सारी चीजें जो दिमाग में आती हैं वो देता है शिकी। एक आइडिया दिया कि ऐसा कुछ करना चाहिए, लेकिन एक आइडिया व्यक्ति के दिमाग में कब आएगा? एक आइडिया, और एक सशक्त आइडिया जो आपकी लाइफ चेंज करेगा, वो आइडिया आपके दिमाग में तब आएगा जब आप हमेशा दुनिया को कुछ देने के बारे में सोचो। यहां पर व्यक्ति ने तीन अलग अलग लोगों के फायदे के बारे में सोचा, और एंड ऑफ द डे फायदा तो उस व्यक्ति को खुद को भी हो रहा है और सबसे ज्यादा हो रहा है। जब भी आपका शिखी क्लियर होगा, जब भी आपका शिखी प्रखाड़ होगा, तो आपको एक ऐसा आइडिया आएगा जिससे आप लोगों की भी मदद कर सकें और दुनिया में एक नया चेंज ला सकें। आपके दिमाग में कई सारे आइडियाज आते हैं पर आप सारे आइडियाज के ऊपर वर्किंग नहीं करते। प्रजन्या, प्रजन्या वो एनर्जी फील्ड है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का, जो पहला एनर्जी फील्ड है जो आपके उन आइडियाज को फर्टाइल करता है, आपके उन आइडियाज को प्रैक्टिकलिटी देता है। ये आइडिया जो मैंने आपको बताया उसमें तो उसकी प्रैक्टिकलिटी नजर आ रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जो प्रैक्टिकल होते नहीं, उसको फर्टिलिटी प्रदान करता है प्रजन्या। प्रजन्या वो एनर्जी फील्ड है जिसकी वजह से धरती पर फसलें उगती हैं, फ्रूट्स उगते हैं, वेजिटेबल्स उगती हैं। प्रजन्या वो एनर्जी फील्ड है जिसको हम फर्टिलाइजर भी कह देते हैं और ग्रोथ का कारक भी कह देते हैं। किसी भी इंडस्ट्री में एक परफेक्ट रॉ मटेरियल के लिए जो देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है प्रजन्या। किसी भी घर में अगर किसी लेडी को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हो तो तब भी हम जो एनर्जी फील्ड को चेक करते हैं वो है प्रजन्या। प्रजन्या एक ऐसा एनर्जी फील्ड है जो आपकी लाइफ में हर तरीके से फर्टिलिटी देता है। अगर हम किसी इंडस्ट्री की बात करते हैं तो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो मेजर चीज चाहिए होती है वो फर्टिलाइजर क्या होता है? उसका रॉ मटेरियल, तो उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को भी प्रोवाइड कराता है प्रजन्या। उसके बाद आ जाता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में जयंत। जयंत है सक्सेस मेकर। जयंत देवता फील्ड वो देवता फील्ड है जो आप लोगों को जीत का रास्ता दिखाता है, साम दाम दंड भेद की नीति से। बस इसका काम है आपको जीत दिलाना, या जो आपने आइडिया शिखी से देखा माइंड क्लियर दिति से करके प्रजन्या ने उसको फर्टाइल किया, तो उसको कैसे जीत के राह पर लाना है उस वो काम है जयंत का। आपको अपनी लाइफ में हर जगह पर सक्सेस दिलाता है जयंत। जयंत कहा जाता है कि
कि वो देवता है, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय राक्षसों और देवताओं के हाथ से अमृत का प्याला छीनकर जो पक्षी उड़ा था 12 दिन तक इस पृथ्वी के ऊपर, उसका नाम है जयंत। और जयंत को श्रेय जाता है इस धरती पर अमृत लाने का, क्योंकि जयंत ही वो देवता फील्ड है जो जब 12 दिन धरती के चक्कर लगा रहे थे उस समय कुछ अमृत की बूंदें अलग अलग जगह पर गिरी, जहां पर 4 हमारी पवित्र नदियां बनी, जहां पर हर 12 साल बाद कुंभ का मेला भी लगता है। जयंत को श्रेय जाता है इस धरती पर अमृत लाने का। तो जब इस धरती पर अमृत लाने का श्रेय जयंत को जाता है, तो आप अपने घर में भी अमृत की धारा ला सकते हैं जयंत एनर्जी फील्ड को अच्छा करके। आपके घर में खुशियों का कारक भी जयंत एनर्जी फील्ड है। इससे नेक्स्ट जो एनर्जी फील्ड है वो है महेंद्र। महेंद्र वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छा रखते हैं। अगर महेंद्र की बात करें तो महेंद्र वास्तव में इंद्र ही कहते हैं कि जब वत्र नाम के राक्षस को इंद्र देवता ने मारा था तो उनका नाम पड़ा था महेंद्र। और यही वो देवता फील है जो आपको सही और प्रखाड़ लोगों के साथ भी मिलाते हैं, आपके हायर कनेक्शंस, आपके पावरफुल कनेक्शंस लोगों में बनाते हैं, सोसाइटी में बनाते हैं, जो पावरफुल कनेक्शंस आपको आपके बिजनेस में भी अपलिफ्ट होने में मदद करते हैं। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपके कनेक्शंस वीक है, यानी कि पावरफुल कनेक्शंस वीक है, अब ये समय आ गया है कि आपको पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने हैं, तो आपको महेंद्र देवता फील्ड के ऊपर वर्किंग करनी चाहिए। अगर मैं किसी ऑफिस की बात करूं तो उस ऑफिस में महेंद्र देवता फील्ड ऐसे देवता फील्ड है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि एक ऑफिस में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक एडमिनिस्ट्रेशन। जब आप अपने ऑफिस को प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चलाते हैं तो उस ऑफिस की कभी हार नहीं हो सकती, और महेंद्र देवता की कभी भी हार नहीं हुई। ये वो स्थान है जहां से आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली राइज करते हैं, सशक्त लोगों के साथ जुड़ाव करके। ईस्ट में दूसरे जो देवता फील्ड है वो है सूर्य। सूर्य देवता फील्ड आपको समाज में एक अच्छा नाम देते हैं। सूर्य वो एनर्जी है जो आपके घर में सारी ऊर्जाओं को संतुलित करने में मदद करती है। सूर्य वो एनर्जी है या सूर्य वो देवता है जो वास्तव में सोलर सिस्टम के भी राजा हैं। आपको अपने घर में अगर कोई व्यक्ति ये कहता है, बड़ा व्यक्ति घर का ये कहता है कि घर में मेरी कोई सुनता नहीं, तो इसका मतलब उस जगह पर सूर्य खराब है, बिकॉज सूर्य इज हेड। अगर किसी जगह पर हेड की कोई नहीं सुनता, ऑफिस में अगर हेड कहता है कि मेरी कोई सुनता नहीं, बॉस कहता है मेरी कोई सुनता नहीं, इसका मतलब ऑफिस का सूर्य भी अब उस जगह का खराब है। और अगर एक व्यक्ति कहता है कि समाज में मेरी कोई सुनता नहीं, लोगों की बातों लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना और लोगों को अपनी बातों से कन्विंस करना, ये भी सूर्य ही है। सूर्य वो तेज है कि लोग खड़े होते हैं आपकी बात को सुनने के लिए, और आपकी आंखों में आंखें मिलाकर देखने की उस व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि सूर्य का जो तेज है वो बहुत ही ज्यादा प्रबल होता है। सूर्य किसी भी व्यक्ति के घर में जब खराब होता है तो उस व्यक्ति के घर में कुछ हेल्थ इश्यूज भी जरूर आते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में हमें जितनी भी एनर्जीज मिलती हैं वो सूर्य से मिलती हैं। हम जब भी बीमार होते हैं, हमारे घर में जब भी वातावरण दूषित होता है, तो हम क्या कहते हैं, धूप में थोड़ी देर बैठा जाए, इस जगह को धूप लगवाई जाए। क्यों? क्योंकि सूर्य की वो ऊर्जाएं हैं जो उस जगह को की जो बैड एनर्जीज है उसको दूर कर देती हैं। ये जगह पर कभी भी अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये वो जगह है जहां पर अगर डार्कनेस या सीलन होती है तो उस जगह पर लोगों को नाम की कमी हमेशा होती है और हमेशा से हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड ईस्ट साउथ ईस्ट की तरफ आता है वो है सत्या। सत्या, सत्या का मतलब है गुडविल क्रिएटर। किसी भी जगह पर किसी व्यक्ति का नाम कैसे बनता है, जब वो व्यक्ति अपनी बात पर खरा उतरता है।
अगर कोई व्यक्ति बात बात पर अपनी बात से मुकर जाता हो तो उस व्यक्ति के घर का सत्य एनर्जी फील्ड खराब है। अगर वो व्यक्ति अपनी कमिटमेंट से मुकरता हो तो उस जगह पर उस व्यक्ति का सत्य एनर्जी फील्ड खराब है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जब भी मैरिजेस में प्रॉब्लम आती है तो वास्तु शास्त्र के हिसाब से जनरली साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम सत्य एनर्जी फील्ड में भी होती है, बिकॉज लाइफ की जो बिगेस्ट कमिटमेंट है वो है मैरिज। या मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है। जब आप उस कमिटमेंट को निभा नहीं पाते, आप अपने पार्टनर के प्रति उस कमिटमेंट को निभा नहीं पाते, तो आप ये देखते हो कि कहीं ना कहीं सत्य एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है। सत्य एनर्जी फील्ड किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्ति ने प्रॉमिस कर दिया कि वो टाइमली प्रोडक्ट्स को डिलीवर करेगा और वो टाइमली प्रोडक्ट्स को डिलीवर नहीं करता तो उसकी गुडविल खराब होती है। एक व्यक्ति ने अपने डीलर को ये बोल दिया कि मैं आपको टाइमली पेमेंट करूंगा, वो टाइमली पेमेंट नहीं करता तो क्या होता है, गुडविल खराब होती है। और ये गुडविल ही है जो आपके बिजनेस को और सशक्त बनाने में आपकी मदद करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड साउथ ईस्ट में आ जाता है वो है वृषा। वृषा वो एनर्जी फील्ड है वास्तव में जो आपके दिमाग के मंथन को सही करके उसमें से एक नई उत्पत्ति लाकर देता है। आपको ये बताता है कि ये चीज आपके लिए सही है, ये चीज आपके लिए गलत है, साथ ही में किस प्रोजेक्ट को करने की क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। या जब भी आप किसी चीज में एक नई रिसर्च कर रहे होते हैं तो उस रिसर्च में भी आपको जो मेजर हेल्प देता है वो है वृषा। वृषा है मंथन की जगह, वृषा है वो फ्रिक्शन, वो स्पार्क जहां से आप एक नई उत्पत्ति निकाल कर लाते हो। आपके दिमाग में ज्यादा मंथन चल रहा है तो भी वृषा एनर्जी फील्ड ही रिस्पॉन्सिबल है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो किसी भी व्यक्ति की हेल्थ में बीपी, एंजाइटी एंड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यानी कि डायबिटीज रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड की हम बात करते हैं वो है साउथ ईस्ट में आकाश। आकाश है आपका इनर स्पेस। इनर स्पेस का मतलब क्या? आप अपने घर में अच्छे वातावरण में हैं, फिर भी आप कई बार ये कहते हैं कि मुझे घुटन सी हो रही है। जब किसी व्यक्ति को ऐसे घुटन सी हो रही होती है तो उस जगह का आकाश एनर्जी फील्ड डेफिनेटली डिस्टर्ब होता है। आकाश एनर्जी फील्ड वो एनर्जी फील्ड है जब किसी जगह पर डिस्टर्ब हो तो वो व्यक्ति का माइंड ब्लॉक्ड हो जाता है। वो व्यक्ति उसी एक सीमित दायरे में रह जाता है और उस व्यक्ति को सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। किसी व्यक्ति को ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो साउथ ईस्ट में आकाश देवता फील्ड के ऊपर उसको जरूर वर्किंग करनी चाहिए। बिजनेसेस में ये देवता फील्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बताता है आपकी मार्केट की बैंडविड्थ को, आपकी मार्केट की बैंडविड्थ कितनी है, कितना दायरा है आपकी मार्केट का। कई बार किसी व्यक्ति को समझ ही नहीं होती कि वो काम कहाँ तक कर सकता है। बहुत सारे लोग जिनको ये समझ आ जाती है कि एक छोटे से कमरे में बैठकर भी वो पूरे शहर में, पूरी स्टेट में या पूरी की पूरी कंट्री में काम कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए उनकी वो बिजनेस की बैंडविड्थ है, या यूं कहे उनकी मार्केट कैपेसिटी है जो समझ आ गई। जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो सबसे पहले जब भी कोई प्रोडक्ट को लॉन्च करती हैं तो अपनी मार्केट को जरूर स्टडी करती है कि उनकी मार्केट है क्या। एक शर्ट है जो 100 रुपए की बिकती है, एक शर्ट है 1,000 रुपए की बिकती है, एक शर्ट ऐसी भी है जो 10,000 की बिकती है, और एक शर्ट ऐसी भी होगी जो 50,000 की बिकती है। हर एक शर्ट की क्लाइंटेज डिफरेंट है। वही आपकी मार्केट बैंडविड्थ, वही आपकी मार्केट की स्टडी, वही आपका आकाश। अगर आपकी मार्केट की स्टडी ही रॉन्ग है या आपको ये नहीं पता कि आप इसको कितना दूर तक लेकर जा सकते हैं प्रोडक्ट को, तो आपका आकाश देवता फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड है आपके बिजनेस प्रेमाइसेस में। जिस भी व्यक्ति का आकाश देवता फील्ड सशक्त होता है उसे अपनी मार्केट की नॉलेज होती है कि मेरी मार्केट में कितना स्कोप है बढ़ने का। अगला देवता फील्ड साउथ ईस्ट में जो आ जाता है वो है अनिल। अनिल देवता फील्ड है जो आपकी लाइफ में पैसे की रोटेशन को सशक्त रखता है। अगर कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरे डेली कैश फ्लो में प्रॉब्लम है तो उस कैश फ्लो को सशक्त रखता है अनिल देवता फील्ड। ये वो देवता फील्ड है जो बिजनेस में लोगों के रोज के पैसे की देखरेख करता है। अगर हम बात करते हैं सवित्रा एनर्जी फील्ड की, तो सवित्रा क्या था,
आपके बिजनेस की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अगर हम बात करते हैं अनिल देवता फील्ड की तो ये आपकी डेली ट्रांजेक्शन। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि मुझे बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम हो रही है पैसे की कमी की वजह से, तो उस जगह पर अनिल देवता फील्ड की दिक्कत होती है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक बिजनेस को सेटअप करता है उसमें एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट डालता है, उस इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ वो अपने बिजनेस को चलाता है, उसी की सर्विसेज प्रोवाइड करके या उसी में अपने प्रोडक्ट्स को सेल करके। अगर उसे डेली बेसिस पर अपना बिजनेस चलाने में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर सवित्र नहीं अनिल देवता फील्ड में प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट देवता फील्ड साउथ साउथ ईस्ट में है वो है पुषा। पुषा वो देवता फील्ड है जो आपको आपकी लाइफ में पोषण देते हैं, आपको न्यूट्रिशन देते हैं, आपकी हेल्थ को गवर्न करते हैं, आपकी फिजिक को गवर्न करते हैं। ये एनर्जी फील्ड आपके जीवन में खाने में देसी घी जैसा काम करता है। हम खाने में देसी घी क्यों डालते हैं? ताकि हमारे खाने में पोषण ऐड हो सके। सिमिलरली किसी भी व्यक्ति के बिजनेस में भी ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड करता है, एक्स्ट्रा पोषण ऐड करता है, उस बिजनेस की प्रमोशन को बढ़ाकर, उस बिजनेस को थोड़ी विजिबिलिटी देकर। वो उस बिजनेस का अगर को अगर मार्केटिंग की जरूरत है तो उस बिजनेस की मार्केटिंग अगर कम है तो उसको मार्केटिंग में थोड़ा स्ट्रांग कर देगा। अगर उस बिजनेस की विजिबिलिटी कम है तो उस बिजनेस की विजिबिलिटी स्ट्रांग करेगा। कोई भी बिजनेस को जब बड़ा बनना है तो उसको एक्स्ट्रा पोषण तो चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अगर और स्ट्रांग बनना है तो उसको थोड़ा सा देसी घी तो खाने में चाहिए। ये पूछा वही देवता फील्ड है जो आपको आपके बिजनेस में एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और उसके बाद साउथ साउथ ईस्ट में दूसरा एनर्जी फील्ड आता है वितत्स। वितत्स वो एनर्जी फील्ड है जो आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, या यूं कहूं ओवर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वितत्स देवता फील्ड आपके लिए एक अनरियलिस्टिक वर्ल्ड क्रिएट कर देता है। आप यूं ही लोगों के सामने अपने आप को प्रिटेंड करना शुरू कर देते हो कि मैं ये हूं। जब आप अपने आप को ओवर प्रिटेंड करना शुरू करते हो फॉल्सहुड में, तो इसका मतलब उस जगह का वितत्स देवता फील्ड इम्बैलेंस्ड है। वितत्स आपको ओवर कॉन्फिडेंस दर्शाता है और साथ ही में आपको अनरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी रखता है। जब भी हम अनरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या आता है? एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास है, जिसके पास खाने पीने के ठीक ठाक पैसे हैं, 25,000 सैलरी है, वो व्यक्ति आईफोन ले आता है ईएमआई के ऊपर, किस लिए? लोगों को दिखाने के लिए। मुझे अपने आप को ये प्रिटेंड करना है। क्यों प्रिटेंड करना है? वितत्स खराब है तो आप लोगों के सामने यूं ही प्रिटेंड करते जा रहे हो कि आप ये हो, जबकि आप वास्तव में वो हो नहीं। पहले उस लायक बनो तो लोगों के सामने प्रिटेंड करो। वितत्स जब खराब होता है तो आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर को भी बढ़ा देता है। और मिडिल क्लास व्यक्तियों के लिए अगर ये देवता फील्ड खराब हो तो एक बिल्कुल हम कह देते हैं कि डिजास्टर का कारक बन जाता है। उसके बाद साउथ में जो पहला देवता फील्ड है वो है गृहस्पत्य। गृहस्पत्य जिसको गृहक्षत भी कहा जाता है, वो है हमारे मन का दायरा। हम एक दायरे में रहकर जब काम करते हैं, या यूं कहें हम एक दायरे को जब समझ लेते हैं, किसी भी स्थान पर जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमें डिफाइन होती हैं, हमें पता होता है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, तो हम उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे तरीके से निभाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड है, उसे पता है कि उसे गेट की रखवाली करनी है, उसे बिल्डिंग की रखवाली करनी है। अगर वो इलेक्ट्रिशियन का काम भी कर रहा है, वो प्लम्बिंग का काम भी कर रहा है, तो उस बिल्डिंग में अगर चोरी हो जाएगी तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा आपका गृहस्पत्य एनर्जी फील्ड। क्यों? क्योंकि उस वो व्यक्ति को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं डिफाइन थी, वो यूं ही इधर उधर के काम करता जा रहा था। आपके घर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर में पैसा कमा कर लेकर जाओ, अपने वाइफ अपने बच्चों का ख्याल रखो, उनकी खुशी का ध्यान रखो, ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी बिजनेस में रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप बिजनेस में जो भी आपका काम है, मेजरली जो ओनर है, उसको सेल परचेज अपने पास देखनी चाहिए, उसको अकाउंट्स के ऊपर उसकी नजर होनी चाहिए। और वो क्या कर रहा है? वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर मशीन के ऊपर माथा मार रहा है, यानी कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड ही नहीं है। वो ये देख ही नहीं रहा कि मेरे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, उसको सिर्फ मशीन के अंदर खुद प्रोडक्ट बनाने में इंटरेस्ट जाग गया।
जब ऐसा होगा तो क्या वो व्यक्ति ग्रो कर पाएगा? वो व्यक्ति कभी नहीं ग्रो कर पाएगा। जब आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइंड होती हैं तो आप अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंटली, आप अपनी लाइफ में रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। जब आप अपने काम को, दिनचर्या के काम को अच्छे तरीके से निभाते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं, तो होता क्या है, उस समय आपको अच्छी नींद आती है। यू फील रिलैक्स कि हाँ, जो मेरा काम था वो मैंने किया। अगर मेरा काम पढ़ाना है, क्या मैं उस पढ़ाने के ऊपर फोकस करूं या मैं और अन्य चीजों के ऊपर फोकस करूं? अगर मैं उसके ऊपर फोकस करता हूं तो मुझे एक रिलैक्सेशन महसूस होती है। और जब मैं पढ़ाने के ऊपर एक दायरे के अंदर रहकर उस दूर सोच को रखता हूं, तो यम एनर्जी फील्ड मेरा साथ देते हैं। साउथ में यम एनर्जी फील्ड मेरा साथ देते हैं मुझे ब्रांड बनाने में। यम देवता वो देवता फील्ड है, जब कोई भी व्यक्ति जिसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइंड है, उसको कायदे कानून में रहकर निभाता है और दूर तक लेकर जाता है, तो वो व्यक्ति एक ब्रांड हमेशा बनता है। जैसे कि एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूं, एक गारमेंट फैक्ट्री है। एक गारमेंट फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट को ये पता है कि उनका उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है शर्ट्स बनाना। वो शर्ट्स ही बनाते हैं, उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है। वो टी शर्ट्स में नहीं जा रहे हैं, वो जीन्स में नहीं जा रहे हैं, उनकी वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की। अगर वो कायदे में रहकर, रूल्स में रहकर, जो चीजें उन्होंने प्रॉमिस करी उसमें रहकर, सही फैब्रिक, सही बटन और सही स्टिचिंग का इस्तेमाल करते हैं, तो उस व्यक्ति को ब्रांड बनने में ज्यादा देर नहीं लगती। जो लोग ऐसा करते हैं कि ठीक है, हमें शर्ट्स तो बनानी है, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता है, कई बार फैब्रिक हल्का आ गया तो भी बना लो, फैब्रिक हैवी आ गया तो भी बना लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इसका मतलब वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी ब्रांडिंग में प्रॉब्लम आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड की अगर हम बात करें, तो साउथ साउथ वेस्ट में पहला एनर्जी फील्ड आता है गंधर्व। गंधर्व बड़ा ही प्यारा एनर्जी फील्ड है तो ये साउथ साउथ वेस्ट जोन का एनर्जी फील्ड, लेकिन ये बिजनेस में, स्पेसिफिकली फैक्ट्रीज में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फैक्ट्रीज में ये क्या रोल प्ले करता है? ये प्ले करता है एक्सट्रैक्शन का रोल। किसी फैक्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या चाहिए होता है? किसी फैक्ट्री में किसी रॉ मटेरियल से जब आप मैक्सिमम प्रोडक्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाओ, वेस्टेज कम से कम करो, तो उस फैक्ट्री में उस जगह के प्रॉफिट्स अपने आप मल्टीप्लाई होने शुरू हो जाते हैं। आपके शरीर में ये गंधर्व देवता फील्ड क्या काम करता है? आप जो भी खाना खाते हैं उसमें से एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को निकाल कर आपकी बॉडी को प्रदान करता है और बाकी वेस्ट को एक तरफ छोड़ देता है। गंधर्व देवता फील्ड, गंधर्व देवता फील्ड आपको आपके बिजनेस में ये समझ देता है, या यूं कहें कि मैक्सिमम प्रोडक्टिव आउटपुट के लिए मैक्सिमम एक्सट्रैक्शन देता है, और आपके घर में भी मैक्सिमम प्रोडक्टिव आउटपुट के लिए और आपके शरीर में पोषण के लिए आपके खाने से एक्सट्रैक्शन देता है। इसके बाद नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है भृंगराज। भृंगराज वो एनर्जी फील्ड है जो जितना वेस्ट बच गया है उसको डिस्पोज ऑफ करने में मदद करता है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपको एक अथॉरिटी देता है, या आपके माइंड को इतना सशक्त बना देता है कि आपको पता लगता है कि क्या रखना है, क्या छोड़ना है। गंधर्व का काम था एक जगह से प्रिजर्व्ड मटेरियल को निकालना या प्रिजर्व करना। प्रिंगराज का काम है कि जो अच्छी चीज है उसको एक तरफ कर दो और जो खराब मटेरियल रह गया उसको एक तरफ कर दो। इसका काम है एक्चुअल में डिस्पोज ऑफ करना। यही है डिस्पोजल की एक्टिविटी, जहां पर टॉयलेट सीट अपने आप में एक रेमेडी है। आपके पेट में जितना भी एक्स्ट्रा मटेरियल बच गया उसको डिस्पोज ऑफ कर देता है भृंगराज। किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जब व्यक्ति ढंग से किसी चीज को लेट गो ना कर पा रहा हो, तो भृंगराज एनर्जी फील्ड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब्ड होता है। बहुत बार ये देखा गया है कि व्यक्ति गलत चीजों का चुनाव करते हैं और सही चीज को छोड़ देते हैं, तब भी भृंगराज एनर्जी फील्ड को जरूर देखना चाहिए, कहीं भृंगराज एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब तो नहीं, जिसकी वजह से आप गलत चीजों को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो और सही चीजों को अपने पास रख रहे हो। इसके बाद साउथ वेस्ट में जो एनर्जी फील्ड आते हैं वो है मृग।
मृगा इज स्किल इम्पार्टर, आपको एक ऐसी नजर देता है जिससे आपके अंदर की क्रेविंग बढ़ती है एक चीज को ढंग से एक्सप्लोर करने के लिए। वास्तुशास्त्र की बात करें तो अगर एक व्यक्ति को एक अच्छा वास्तुशास्त्री बनना है तो उसको इस सब्जेक्ट के इनर कोर तक जाना पड़ेगा। इनर कोर का मतलब इसको एक्सप्लोर करते रहना पड़ेगा। इसको क्रेविंग देता है मृगा। एक व्यक्ति एक बैट्समैन है, वो बैट्समैन के अंदर जब वो क्रेविंग नहीं होगी नई 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 टेक्निक सीखने की, तो क्या उसे पता लग पाएगा कि कौन सी टेक्निक उसके लिए वर्क कर रही है? एटलीस्ट उस बैट्समैन को हर तरह की टेक्निक्स पता होनी चाहिए और वो सारी की सारी टेक्निक्स या वो सारी की सारी स्किल्स को इम्पार्ट करता है मृगा। वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड फॉर एनी इंडिविजुअल टू ग्रो इन हिज लाइफ। किसी भी व्यक्ति को अपने काम में नंबर वन बनना है तो उस व्यक्ति का मृगा एनर्जी फील्ड सशक्त होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर वन वो व्यक्ति बनता है जिसको अपनी फील्ड की इनडेप्थ नॉलेज। एक व्यक्ति गार्डनिंग कर रहा है, उस व्यक्ति को सारे पेड़ पौधों के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो क्या वो नंबर वन गार्डनर या नंबर वन नर्सरी ओनर बन जाएगा? कभी भी नहीं बन पाएगा। उसके अंदर वो स्किल होनी चाहिए या उसके अंदर वो क्रेविंग होनी चाहिए कि मुझे इसके बारे में और इनडेप्थ नॉलेज चाहिए। मृगा के बाद आ जाता है पितृ एनर्जी फील्ड। वो एनर्जी फील्ड है जो आपको ओवरऑल प्रोस्पेरिटी देता है। ओवरऑल पितृ यानी कि हमारे बुजुर्ग जो इस धरती पर नहीं है, पितृ यानी कि हमारा डीएनए आपको ओवरऑल सक्सेस प्रोवाइड करता है। जो लोग भी ये कहते हैं कि हम पूरी तरह से डिस्टर्ब हैं, हमारी लाइफ पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी है, उनके यहाँ पितृ एनर्जी फील्ड को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनके यहाँ भी वंश वृद्धि नहीं हो पा रही होती, उनके लिए भी पितृ एनर्जी फील्ड को देखना बेहद जरूरी होता है। उसके बाद वेस्ट साउथ वेस्ट में नेक्स्ट एनर्जी फील्ड आता है द्वारिक। द्वारिक अगेन भृंगराज की तरह ही एक एनर्जी फील्ड है जो आपको आपके जीवन में सही और गलत की परख देता है। ये एनर्जी फील्ड स्पेशली बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फील्ड रहता है। बच्चों को क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक बच्चा जब अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है तो उसके पास ढेरों किताबें होती हैं, ढेरों चैप्टर्स होते हैं। उनमें से कुछ चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो वो बच्चा मार्क करता है। उसकी वो मार्किंग असल में द्वारिक कराता है। द्वारिक उससे वो नॉलेज देता है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए ये नहीं पढ़ना चाहिए, या इसको तुम थोड़ा सा लेफ्ट आउट भी कर सकते हो चल जाएगा। आपके जीवन में आप जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो कैसे करते हैं कि आपको आपके जीवन में क्या चीज खरीदनी चाहिए क्या चीज नहीं खरीदनी चाहिए, क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं इंपॉर्टेंट, आपकी लाइफ का एक्चुअल फिल्टर है द्वारिक। द्वारिक मीन्स गेट कीपर, आपकी जिंदगी में बुरी चीजें आने से बचाता है और आपकी चीजें आपके जीवन में अच्छी चीजों को एंटर करने की परमिशन देता है द्वारिक एनर्जी फील्ड। द्वारिक के बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है वो है सुग्रीव। नेक्स्ट देवता फील्ड की बात करते हैं। नेक्स्ट देवता फील्ड है सुग्रीव। जैसे कि हमने द्वारिक देवता फील्ड की बात करी कि द्वारिक देवता फील्ड वो देवता फील्ड है जो आपके जीवन में सही चीजों को लाते हैं या एक व्यक्ति को पढ़ाई में सही पढ़ाई का चुनाव देते हैं, तो सुग्रीव वो देवता फील्ड है जो आपको चीजें कंठस्थ कराते हैं। सु माने योर नेक एंड ग्रीव माने ब्यूटिफुल। सुग्रीव देवता फील्ड वो देवता फील्ड है जो आपको चीजें मेमोराइज कराने में आपकी मदद करते हैं। इस देवता फील्ड का तो फूड भी बादाम है। यहां पर जब आप एलमंड रखते हैं बादाम रखते हैं तो आपकी मेमोरी ऑटोमेटिकली शार्प होनी शुरू हो जाती है। अगर किसी भी व्यक्ति के घर में किसी को भी ये प्रॉब्लम है कि उसे चीजें याद नहीं रहती या याददाश्त रिलेटेड प्रॉब्लम है, तब भी हम सुग्रीव एनर्जी फील्ड को देखते हैं। एक बच्चा जब ये कंप्लेंट करता है कि वो जितना पढ़ के गया उसको भूल गया या उसको याद नहीं रहता, तब भी हम सुग्रीव एनर्जी फील्ड को देखते हैं। या अगर हम इसको लॉन्ग टर्म की बात करें तो जो इन्वेस्टमेंट्स या जो चीजें द्वारिक से आपके जीवन के अंदर आई थी ये उन्हें फलित भी करता है। आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को फलित करता है सुग्रीव एनर्जी फील्ड। आपको सही गाइडेंस देता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कि आप इन चीजों में
सही तरीके से इन्वेस्ट करो ताकि ये जीवन भर आपका साथ दें। आप जो चीज एक बार याद कर लेते हो तो वो उम्र भर आपका साथ देती है, और उम्र भर साथ के लिए यही वो एनर्जी फील्ड है जो आपके लिए नया घर या नया ऑफिस बनाने के लिए आपकी हेल्प करता है। अगर आप यहाँ पर ब्लैक कलर के फ्रेम में एक विलेज सीनरी लगाते हैं तो आपका नया घर या नया ऑफिस बनाने का जो सपना है वो बहुत ही जल्द पूरा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है वो है पुष्पदंत। पुष्पदंत है कुबेर के वाहक। पुष्पदंत की अगर हम बात करते हैं तो पुष्पदंत वो एनर्जी फील्ड है जो आपको आपकी लाइफ में बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। अब बहुत कुछ से मानने ये है कि कुबेर, कुबेर क्या है, कुबेर है वेल्थ के लॉर्ड, ये है उसके वाहक। जब आपने पुष्पदंत को सशक्त कर लिया तो वेल्थ ऑटोमेटिकली आपके पास आनी शुरू हो जाती है। ये वेल्थ आपके पास कैसे आती है, आप जितने भी मेहनत करते हैं उसका सही फल देते हैं पुष्पदंत। कई व्यक्ति जो अपने जीवन में कहते हैं कि हम मेहनत बहुत करते हैं, पर हमारे साथ कुछ ऐसा होता है कि लाइफ में, तो हम बात कर रहे थे पुष्पदंत की, तो पुष्पदंत वो एनर्जी फील्ड है जो वास्तव में आपने जितनी मेहनत की होती है आपको उन कर्मों का सुनिश्चित फल मिलता है। आप अपने बिजनेस में जितनी मेहनत करते हैं, आप अपनी जॉब में जितनी मेहनत करते हैं, आपको उसका फल मिलता है पुष्पदंत देवता फील्ड से। पुष्पदंत देवता फील्ड आपको आपकी लाइफ की डेली डे टू डे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने में मदद करते हैं। ये वो एनर्जी फील्ड है जहां पर आपको तिजोरी जरूर रखनी चाहिए, एक लॉकर जरूर रखना चाहिए, और उस लॉकर का जो गेट है वो नॉर्थ की तरफ खुलता हुआ हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी वो तिजोरी में कभी भी धन की कमी नहीं होती। ये वो देवता फील्ड है जो आपकी लाइफ में कंटिन्यूअस ग्रोथ में आपकी हेल्प भी करते हैं। इट इज द असिस्टिंग पावर, और इस देवता फील्ड में वरदानीय शक्ति भी है। तो इस सही देवता फील्ड से आप जब भी कोई बात, विश मांगते हैं तो आपकी वो विश भी कंप्लीट होने में मदद करते हैं पुष्पदंत देवता फील्ड। नेक्स्ट इज वरुण देवता फील्ड। वरुण देवता फील्ड, वरुण वो स्थान है जिसे दुनिया में सर्वप्रथम भगवान का दर्जा माना गया। ये वो स्थान है, यहाँ पर जब भी किसी डाइटी की, जब भी किसी गॉड के आइडल को प्लेस किया जाता है तो आपके दिमाग में आपका सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली रिएक्ट करता है कि यही वो देवता है जहां से हमारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। इट इज द किंग ऑफ यूनिवर्स। वरुण देवता की अगर हम बात करते हैं तो वरुण देवता हमारी इच्छाओं की पूर्ति के साथ साथ हमें वरदान भी देते हैं। ये वो देवता है जो हमारी विश फुलफिलमेंट भी करते हैं, या ये वो देवता है जो हमारी लाइफ में हमारे गेन्स को और प्रॉफिट्स को भी बढ़ाते हैं। हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य को हम क्यों करते हैं, ताकि हम उस कार्य में से मैक्सिमम चीजें निकाल सके, मैक्सिमम आउटपुट निकाल सके। तो ये वो देवता फील्ड है, जब भी आप कोई कार्य करते हैं पुष्पदंत क्या करते हैं उसका सही फल देते हैं, वरुण क्या करते हैं उसमें से मैक्सिमम आउटपुट आपको निकाल कर देते हैं। ये वो देवता फील्ड है जो आपको प्रॉस्पेरिटी ग्रांट करते हैं और आपको एक सही विजन भी प्रदान करते हैं। सही विजन कि आप सही तरीके से कैसे काम करो जिससे आप अपने जीवन में खूब से भी ज्यादा प्रॉफिट्स कमा पाओ। वरुण देवता फील्ड वो देवता फील्ड है जहां पर अगर आप एक देवता को एक मंदिर में विराजमान करते हैं तो वो इच्छा पूर्ण देवता बन जाते हैं। आप विश्व विश्व भर में प्रख्यात मंदिरों में अगर जाकर देखेंगे तो उस जगह पर वरुण देवता फील्ड में ही आप उस मंदिर की मेन मूर्ति को पाएंगे, और यही वो स्थान है जो सबसे ज्यादा हाइटेंड होना चाहिए, सबसे ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि ये वो स्थान है जो सीधा स्पेस के साथ कनेक्टेड है। आपकी जितनी मन की इच्छाएं हैं वो स्पेस में डालकर, वो स्पेस में कम्युनिकेट करके ये आपकी जितनी भी विशेज हैं उनको फुलफिल करने में आपकी मदद करते हैं। आप यहाँ पर येलो कलर के पेपर पर एक सर्कल ड्रॉ करके अपनी विश को अगर लिखते हैं तो आपकी वो विश बहुत जल्दी फुलफिल हो जाती है। उसके बाद वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में पहले देवता फील्ड है असुर। असुर इज इल्यूजनिस्ट। आपको एक अलग ही दुनिया में या एक अलग ही दुनिया दिखाता है असुर। जो व्यक्ति अपने आपे में नहीं रहता, या यूं कहें कि एक व्यक्ति जब कोई कार्य कर रहा है, जब कोई चीज उसके अकॉर्डिंगली चल रही है, तो उसका एक समय आने पर
दिमाग खराब हो जाता है, उस दिमाग को सेट करता है असुर। असुर उसको वास्तव में बताता है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन अच्छी रखनी चाहिए, आपको अपनी थॉट्स बैलेंस रखनी चाहिए। हम लोग अक्सर कहते हैं ना कि जब किसी व्यक्ति के सर पर सक्सेस चढ़ जाती है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है, वो असुर ही है जो उसके दिमाग को उसके कंट्रोल में रखता है और उसकी सक्सेस को और आगे बढ़ाने में उसका साथ देता है। वो व्यक्ति अपना आपा नहीं खोता। किसी भी बिजनेस प्लेस पर ये एक सीक्रेट एजेंट की तरह काम करता है, कोई भी किसी भी बिजनेस की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को लीक होने से बचाता है असुर देवता फील्ड। असुर देवता फील्ड जब किसी भी जगह का सशक्त होता है तो उसके प्रमाइसिस की बातें लीक नहीं होती। किसी फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट बनने वाला है तो उस प्रोडक्ट का डिजाइन पहले ही लीक हो गया, असुर देवता फील्ड डिस्टर्ब है। कोई इंपॉर्टेंट सीक्रेटिव फाइल किसी ऑफिस की पहले ही किसी ऑफिस के व्यक्ति ने लीक कर दी तो वो आपका असुर देवता फील्ड उस जगह का खराब है। आपकी इंटरनेट के द्वारा कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक होती है तो जो सर्वर होता है, जो फायरवॉल होती है, वो भी असुर ही है जो आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखता है। और यही वो देवता फील्ड है जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली चैनलाइज करने में आपकी मदद करता है। अगर ये इम्बैलेंस होता है तो आपको गलत काम करने पर मजबूर करता है। आप अपनी लाइफ में गलत काम करके धन कमाने की कोशिश करते हैं, या अगर आप अपनी लाइफ में सही सक्सेस के पेस पर हैं तो आप ऑटोमेटिकली गलत संगति में भी जा सकते हैं अगर असुर देवता फील्ड किसी जगह का डिस्टर्ब हो तो। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में नेक्स्ट देवता फील्ड है शोशा। शोचा वो एनर्जी फील्ड है, किसी व्यक्ति की आंखों से आंसू सुखाने का काम करता है। रुद्र वो शक्ति थी जो किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू लेकर आता है। ये वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करता है, आपको चीजें लेट गो करने में आपकी मदद करता है। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो रोते रहते हैं, हम कहते हैं ये व्यक्ति हमेशा ही रोता रहता है, आगे नहीं बढ़ पाता। जब आप कभी अपनी जिंदगी में पिछली कुछ बातों को लेकर अटके रहते हैं तो आप अपने जीवन में अटक जाते हैं। सोशल एनर्जी फील्ड वो एनर्जी फील्ड है जो आपके माइंड से जो स्टक्ड थॉट्स हैं उनको वॉश करने में भी आपकी मदद करता है। जब आप किसी चीज के बारे में अटक जाते हो तो अपनी जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, ये वो एनर्जी फील्ड है। अगर बैलेंस हो तो आप चीजों को लेट गो करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हो। बहुत बार ये होता है कि आपके बिजनेस में भी आप बिजनेस के पुराने तौर तरीकों को पकड़ कर बैठते हो कि नहीं ये तो हमारे पुराने तौर तरीके, हम इसी तरीके से काम करेंगे, हम इसी प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे, इसके ऊपर रिफाइनमेंट नहीं करेंगे। आप जब चीजों को छोड़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे। कई बार आपके दिल को कोई बात लग जाती है, आप उस चीज को पकड़ लेते हो, आप कहते हो कि मुझे ये कार्य करना ही नहीं है, अब मैंने मेरे को अपनी लाइफ को ऐसे ही स्टक रखना है। आप जब तक लेट गो नहीं करते तब तक आप अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा पाते। तो शोचा वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी आंखों से आंसुओं को सुखाकर आपको वो शक्ति प्रदान करता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ो। आप अपने चीजों को, आप अपनी बातों को लोगों तक एक्सप्रेस कर पाते हो, आप अपनी जो भी स्टक्ड इमोशंस है वो सामने वाले व्यक्ति तक एक्सप्रेस करते हो, जिससे आप रिलैक्स फील करते हो और जीवन में आगे बढ़ते हो। बहुत बार ये होता है ना कि मन में कोई बात अटक जाती है, हम बोल नहीं पाते, फिर पूरा लेक्चर उसी बात को सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं और सारा का सारा लेक्चर मिस हो जाता है। उसी समय वो बात को लेट गो कर दोगे तो पूरा का पूरा लेक्चर आसानी से समझ आ जाता है। ऐसा ही कुछ हमारे जीवन में भी होता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट में नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है पाप यक्ष्मा। पाप यक्ष्मा है अडिक्टर। किसी भी व्यक्ति को जब एडिक्शन इश्यूज होते हैं, स्पेशली ड्रग्स एंड अल्कोहल रिलेटेड जब एडिक्शन इश्यूज होते हैं तो उसके लिए जो एनर्जी फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है पाप यक्ष्मा। किसी के यहाँ पर भी जब पाप यक्ष्मा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब होता है तो फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति एडिक्टेड होता है और उस एडिक्शन की वजह से वो घर का सत्यानाश कर देता है। पाप यक्ष्मा जब डिस्टर्ब होता है तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरे लोगों में ही गलती निकालता है, लोग उसे नापसंद करना शुरू कर देते हैं और वो व्यक्ति सोसाइटी से अपने आप को कट महसूस करता है। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है वो है रोगा। रोगा इज वीकनर। रोगा वो एनर्जी फील्ड है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके अंदर से फीवर को ड्रेन करता है।
रोगा वो एनर्जी फील्ड है जो आपको वास्तव में जब आप वीक होते हो तो आपको किसी ना किसी संदर्भ में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। आपके ऑफिस में आपका ऑफिस स्टाफ नहीं सपोर्ट करता रोगा, अगर आपके बिजनेस प्लेस पर आपके डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, कस्टमर्स, बैंकर्स, आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जुड़ाव होता है आरएमएस, जो जुड़े हुए हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं समय आने के ऊपर, तो वो है रोगा। रोगा इन्वर्टर की तरह काम करता है कि आपने जो चीज फीड करी, आपने इन्वर्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फीड करी, कंटिन्यूसली फीड करी, तो समय आने पर वो आपको इलेक्ट्रिसिटी वापस देता है सपोर्ट के रूप में। तो रोगा वही एनर्जी फील्ड है जो एक्चुअल में आपको सही समय पर सही सपोर्ट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड इन नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज नागा। नागा इज क्रेविंग या नागा इज सेटिस्फैक्शन। नागा वो एनर्जी फील्ड है जिसे हम कह देते हैं कि आपको किसी भी चीज की जब क्रेविंग होती है, आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो आपके अंदर क्रेविंग होती है ना कि आपको प्रोडक्ट खरीदना है। आपकी क्रेविंग शांत तो होती है जब आप उस प्रोडक्ट को देखते हैं, आप कहते हो यस दिस इज द प्रोडक्ट आई हैव टू बाय। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड है किसी भी बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस प्लेस पर जब ये एनर्जी फील्ड सशक्त होगा तो उसके प्रोडक्ट के लिए ऑटोमेटिकली क्लाइंट्स को क्रेविंग होगी, या क्लाइंट जब उस प्रोडक्ट को आकर देखेगा तो उसे मजा आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ सेटिस्फैक्शन। आपकी जो क्रेविंग है उस क्रेविंग की सेटिस्फैक्शन को कंप्लीट करता है नागा एनर्जी फील्ड। नागा एनर्जी फील्ड को अगर हम देखें तो इसे कहते हैं सर्प असुर। कामदेव ने ये वेपन यूज किया था विश्वामित्र के ऊपर भगवान इंद्र के कहने पर मेनका के रूप में। ये नागा है, ये एक वेपन है जो आपके अंदर की क्रेविंग को भी कंप्लीट करता है, या यूं कहें कि आपके अंदर की क्रेविंग को जगाता भी है। जितनी भी सेक्सुअल क्रेविंग्स हैं वो सेक्सुअल क्रेविंग्स भी नागा एनर्जी फील्ड से ही जागृत होती हैं। और बिजनेस प्लेस पर जितनी भी प्रोडक्ट की अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन भी नागा एनर्जी फील्ड से ही अट्रैक्ट होती है। किसी भी बिजनेस प्लेस के लिए नागा एनर्जी फील्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड, स्पेसिफिकली किसी भी शोरूम के लिए, क्योंकि ये वो जगह है जब ये जगह सशक्त होती है तो कोई भी क्लाइंट आपके स्टोर में आकर कहेगा मुझे यहाँ आकर मजा, मन को तृप्ति मिलती, क्योंकि मन क्रेव कर रहा था किसी चीज के लिए, वहां आकर उसका मन शांत शांत हो गया। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इज मुखिया। मुखिया इज केयर टेकर और सिस्टम मेकर। किसी भी टास्क को जब आप हाथ में लेते हो तो उसकी कंप्लीशन तक का जो वर्क है वो सारे के सारे टास्क की टेक केयर करता है मुखिया। आपके घर में आपका जो भी बड़ा बुजुर्ग होता है वो उस घर का मुखिया कहलाता है, क्योंकि वो उस घर को संभाल कर रखता है। वो उस घर को संभालने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि घर में क्या सभी लोग सही स्वरूप में रह रहे हैं, क्या सब लोग सही दायरे के अंदर रह रहे हैं, क्या सब लोग रिचुअल्स के अकॉर्डिंगली सारे कामों को कर रहे हैं, ये मुखिया का काम है। सिमिलरली एक बिजनेस प्लेस में मुखिया का काम है कि सब लोगों को की टेक केयर करना। मुखिया का काम सिर्फ ये नहीं होता कि एडमिनिस्टर करना, एडमिनिस्ट्रेटर तो महेंद्र था, ये है केयर टेकर, कि सबकी देखभाल करे, जैसे कि हमारी माँ सब चीजों की सारे सिस्टम में देखभाल करता है मुखिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी फील्ड फॉर फैक्ट्रीज। किसी फैक्ट्री में हम क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब तक वो प्रोडक्ट कंप्लीटली पैक होकर लेबल नहीं हो जाता तो क्या वो सेलिंग के लिए रेडी होता है? नॉट एट ऑल। मुखिया उन चीजों को सुनिश्चित करता है कि क्या सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। एंड यस दिस इज द प्लेस वेयर वी कीप आर रेडी टू सेल गुड्स। इस जगह पर जब हम रखते हैं तो गुड्स बहुत जल्दी से आपकी सेल हो जाती है। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड है बल्लाट। बल्लाट का मतलब है बहुत बड़ा। हमारे जीवन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो आती हैं बल्लाट देवता से। लेकिन मैं यूं कहूंगा कि हमारे जीवन में जितनी भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज आती हैं वो भी आती हैं बल्लाट देवता से। जीवन में अपॉर्चुनिटीज तो हर व्यक्ति की लाइफ में आती है, लेकिन क्या वास्तव में आपको आपके जीवन में बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए? अगर बड़ी अपॉर्चुनिटीज चाहिए तो उसके लिए जो देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल है वो है बल्लाट। एक व्यक्ति कहता है कि मेरे स्टोर पर क्लाइंट नहीं आ रहा, उसके लिए भी बल्लाट देवता फील्ड रिस्पॉन्सिबल है।
लेकिन अगर बल्लाड देवता फील्ड को एनर्जाइज किया जाए तो उस व्यक्ति के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटीज आती है। ज्यादा क्लाइंट्स तो आते ही हैं, पर साथ ही में हो सकता है उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्डर आ जाए, बल्क में ऑर्डर आ जाए अगर बल्लाड एनर्जी फील्ड एनर्जाइज होगा तो। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड इज सोमा। सोमा है कुबेर का स्थान। सोमा इज अ ट्रेजर, हमारा खजाना है सोमा। अभी तक आप जो भी प्रोसेस कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे पैसे के लिए, ये वो एनर्जी फील्ड है जहां से धन आपके जीवन में आता है। आपने जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, क्लाइंट उसका पैसा इस एनर्जी फील्ड के सशक्त होने पर देता है। क्लाइंट आपके एफर्ट को रिकॉग्नाइज करता है और आपको पैसा पे करता है। सोमा एनर्जी फील्ड जब किसी भी व्यक्ति का डिस्टर्ब होता है तो वो व्यक्ति अक्सर ये कहता हुआ पाया जाता है कि क्लाइंट्स तो बहुत आते हैं पर कन्वर्ट नहीं होते। सो दिस फील्ड इज फॉर कन्वर्जन्स। सो दिस फील्ड इज फॉर कन्वर्जन्स। नेक्स्ट एनर्जी फील्ड इज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में पहला एनर्जी फील्ड जो है भुजंग। भुजंग इज फॉर योर इम्यूनिटी एंड फॉर योर हीलिंग। भुजंग देवता फील्ड जिस भी व्यक्ति के घर का सशक्त होता है उसे सही समय पर सही डॉक्टर मिल जाता है। ये आपकी ओवरऑल हेल्थ को और ओवरऑल ओवरऑल इम्यूनिटी सिस्टम को गवर्न करता है, आपको हेल्दी रखने में हेल्प करता है और आपको सही दवाइयां सही समय पर दिला देता है। यूं तो भुजंग की बात करें तो भुजंग को अनंत नाग भी कहा जाता है, जो ट्रेजर को प्रोटेक्ट करता है, जो हिडन ट्रेजर्स को प्रोटेक्ट करता है। जो सांप अनंत नाग हिडन ट्रेजर के ऊपर बैठे हैं उन्हें ही भुजंग देवता कहा गया। और पौराणिक कथनों के अनुसार अगर देखा जाए तो भुजंग वो देवता फील्ड है जो लाइफ सेवर मेडिसिन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, सही समय पर आपको सही डॉक्टर और सही दवाई से मिलाप कराते हैं भुजंग देवता फील्ड। और किसी व्यक्ति की सही बोलबानी रखते हैं अपने बिजनेस प्लेस में भुजंग देवता फील्ड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट अदिति देवता फील्ड। अदिति देवता फील्ड अगेन इज केयर टेकर, इसे सृष्टि की मां कहा जाता है। ये वो देवता फील्ड है जो सारे वर्ल्ड को फीड करती है। ये वो देवता फील्ड है जो आपको एक इनर कॉन्फिडेंस, लास्ट मोमेंट पे हम जो भी कोई काम करते हैं उसको कंप्लीट करने में हेल्प करती है। ये वो देवता फील्ड है जो आपके माइंड को अपने आपे में लेकर आती है और खुद के साथ मिलाती है। आप जब भी किसी तकलीफ में हो तो नो वन इज योर बेस्ट टीचर, यू एंड योर माइंड आर द बेस्ट डिसीजन मेकर टू कम आउट ऑफ दैट ऑब्स्टेकल। जब भी आप इधर उधर लोगों की सर्च करते हैं अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कराने के लिए तो आपके घर में अदिति देवता फील्ड डिस्टर्ब होता है। आप एंड ऑफ द डे जब ये समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन तो मेरे पास ही था, तब अदिति देवता फील्ड आपका सशक्त माना जाता है। अगर ये देवता फील्ड किसी व्यक्ति का इम्बैलेंस होता है तो उस व्यक्ति का मेंटल पीस इम्बैलेंस रहता है, और जब किसी का मेंटल पीस इम्बैलेंस रहता है तो उस व्यक्ति की हेल्थ ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होती है, उसका सारा वर्क ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होता है। जब हम कोई भी काम कंक्लूड करने लगते हैं लास्ट मोमेंट पर जो डर आता है उसमें आपको आप ही का अंतर्मन ये कहता है नहीं, गो एंड डू इट एंड यू एक्चुअली विन द एंटायर वर्ल्ड। दिस इज ऑल अबाउट 45 देवतास, अ कंप्लीट स्टोरी अबाउट 45 देवतास, कैसे ये काम करते हैं, किस तरीके से ये बिजनेस में या घरों में वर्क करते हैं। अगर आप इनके छोटे छोटे एट्रीब्यूट्स को समझ पाए और उन एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंगली जहां पर भी आपको प्रॉब्लम दिखाई देती है उस देवता के ऊपर पर्टिकुलर फूड रख दें तो आप किसी भी व्यक्ति की प्रॉब्लम को सुनिश्चित रूप से खत्म कर सकते हैं। और किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री या घर में अगर कोई देवता फील्ड बड़ा हुआ है या कम है उसको परमानेंटली ट्रीट करने के लिए आप अगर डिप्स, स्टड्स और स्प्रिंग्स से बहुत अच्छे तरीके से इसे पर्टिकुलर जैसे कि आप लोगों को बताया गया वैसे आप प्लेस करते हो तो उस जगह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अर्थ एनर्जीज को आप परमानेंटली बैलेंस करके उस व्यक्ति को टॉप शॉट बना सकते हैं।